हम लोग पीछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फोर्टी कर चुके थे ट्रांसफार्मर के और आगे आज हम देखेंगे ट्रांसफार्मर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ओके तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोर्टी वन जो हम लोगों का फोर्टी वन क्वेश्चन है मटेरियल यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर कोर इज़ यूजली ट्रांसफार्मर के कोर के कंस्ट्रक्शन में कौन सा मटेरियल यूज करते हैं जो हम लोग कोर बनाते हैं ट्रांसफार्मर के जहाँ पे हम वाइंडिंग करते हैं तो उसे बनाने में कौन सा मटेरियल का यूज़ करते हैं तो ऑप्शन ए है वुड ऑप्शन बी है कॉपर ऑप्शन सी है एलमिनियम और ऑप्शन डी है सिल्कन स्टील तो हम लोग सिल्कन स्टील का प्रयोग करते हैं इससे हम लोगों का हिस्ट्रेसिस लॉस भी कम हो जाता है और रिलेक्टेंस जो होता है प्रॉमेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है जिसके कारण रिलेक्टेंस जो होता है वो डिक्रीज़ कर जाता है ओके तो हम लोग सिल्कन स्टिल का यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर के कोर के कंस्ट्रक्शन में ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए फोर्टी टू द थिकनेस ऑफ लेमिनेशन यूज़ इन ट्रांसफार्मर इज़ यूजली जो ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर में जो हम लेमिनेशन का थिकनेस क्या होता है जो हम लेमिनेशन करते हैं उसकी थिकनेस क्या होती है ट्रांसफार्मर में तो ऑप्शन ये बोल रहा है जीरो पॉइंट फोर एम एम टू जीरो पॉइंट फाइव एम एम ऑप्शन बी बोल रहा है फोर एम टू फाइव एम और ऑप्शन सी बोल रहा है फोर्टीन एम टू फिफ्टीन एम और ऑप्शन डी बोल रहा है ट्वेंटी फाइव एम टू फोर्टी एम जो लेमिनेसन हम लोग करते हैं उसका जो थिकनेस होता है वो ज़ीरो पॉइंट फोर या कहीं हम लिख सकते हैं कहीं कहीं रहता है जीरो पॉइंट टू एम एम भी टू जीरो पॉइंट फाइव एम के बीच में ही हम उसके थिकनेस को रखते हैं ओके लेमिनेशन के थिकनेस कोर को, को, को जो ले थिन प्लेट जो होता है उसे हम लेमिनेशन करते हैं तो उसकी लेमिनेशन की जो थिकनेस होती है वो जीरो पॉइंट फोर या जीरो पॉइंट टू भी हम बोल सकते हैं यहाँ पे टू जीरो पॉइंट फाइव एम एम तक होती है ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए द हाइस्ट वोल्टेज फॉर ट्रांसमिशन ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल पावर इन इंडिया इंडिया में जो पावर जनरेशन है पावर जो हम लोग जहाँ पे बनाते हैं और स्टेप अप हाईएस्ट कितना वोल्टेज करते हैं इंडिया में ट्रांसमिशन के लिए हाईएस्ट कितना वोल्टेज हम हाईएस्ट बनाते हैं स्टेप अप करते हैं ओके तो ऑप्शन ए बो रहा है थर्टी थ्री के भी ऑप्शन बी बो रहा है सिक्सटी सिक्स के भी ऑप्शन सी बो रहा है वन थर्टी टू के भी और ऑप्शन डी बो रहा है फोर हंड्रेड के भी जो हम लोग यूज़ करते हैं हाईएस्ट पावर जो हम स्टेप अप करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में तो वो हम लोग फोर के वी तक करते हैं इससे आगे हम लोग इंडिया में नहीं करते हैं. ओके हाईएस्ट पावर फोर के वी फोर हंड्रेड के बी तक ही हम लोग बनाते हैं ओके okay? ट्रांसमिशन के लिए फोर्टी फोर नंबर क्वेश्चन जो है इन अ ट्रांसफार्मर द रेजिस्टेंस बिटवीन इट प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में ट्रांसफार्मर में रेजिस्टेंस कितना होता है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में कितना रेजिस्टेंस होता है ट्रांसफार्मर में तो हम यदि बात करें ये हम लोगों का कोर है ओके और इस पर हम लोगों का प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग होता है ये मेरा प्राइमरी है और ये मेरा सेकेंडरी है तो ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होता है ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होता है यहाँ पे मैग्नेटिकली कनेक्टेड रहता है यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू हम लोगों को सेकेंडरी में मिलता है ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं रहता है इन दोनों के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं है दोनों के बीच में ओनली यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी देने से करंट के कारण यहाँ पे मैग्नेट फ्लक्स जनरेट होता है जिसके कारण हमको सेकेंडरी साइड भी हमको मिलता है आउटपुट ओके okay? तो जब इलेक्ट्रिक कनेक्टेड नहीं है तो इसका इन दोनों के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा वो बहुत हाई होगा यहाँ पे हम इंफोनाइट बोल सकते हैं ओके okay? तो इसका ऑप्शन क्या है ऑप्शन ए बोल रहा है जीरो ऑप्शन बी बोल रहा है वन ओ ऑप्शन सी बोला वन थाउजेंड हो एंड ऑप्शन डी बोला रहा इन्फानाइट तो हम लोग ऑप्शन डी कर देंगे इन्फानाइट प्राइमरी प्राइमरी ये मेरा प्राइमरी हो गया एंड सेकेंडरी का बीच का जो रेजिस्टेंस होता है दोनों के बीच में वो इंफानाइट होता है बहुत अधिक होता है ओके क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव क्वेश्चन जो है बोल रहा है ए ट्रांसफार्मर ऑयल मस्ट बी फ्री फ्रॉम ट्रांसफार्मर में जो ऑयल होता है वो क्या फ्री रहता है उसमें नहीं रहता है ओके okay? किससे फ्री रहता है वो स्लॉट से ऑर्डर से गैसेस से या नेक्स्ट जो है ऑप्शन हम लोगों के पास मॉइस्चर से तो हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन डी इसका मॉइस्चर जो ट्रांसफार्मर का ऑयल होता है उसमें मॉइस्चर नहीं रहता है उस उस मॉइस्चर को हम लोग बाहर निकाल देते हैं यदि रहता है तो ओके okay? मॉइस्चर को बाहर निकाल देते हैं और मॉइस्चर का टेस्ट कैसे करते हैं कि उस ऑयल में मॉइस्चर है कि नहीं तो हम क्या करते हैं उसके लिए एक टैंक लेते हैं और इसमें हम ऑयल को रख देते हैं ओके okay? और इसे हम हीट करते हैं आग से ओके okay? जब ये पूरी तरह से हीट हो जाता है तो इसमें हम एक छर को छर लेकर इसमें डुबोते हैं छर को ठंडे छर को ओके जिसके यदि हम लोग के पास पानी रहता है पानी की मात्रा रहती है किसी ऑयल में और या पानी जो रहता है उसे हम जब हीट करते हैं पानी को ये मेरा वाटर है जब हम इसे हीट करेंगे और इसमें किसी ठंडे छड़ या किसी लोहे के पीस को जब हम इसे इसमें डुबाएंगे तो इसमें आवाज आएगा एक क्षण जैसा आवाज़ आएगा तो हमको पता रहेगा कि ये वाटर है तो यदि इस ऑयल में भी यदि वाटर रहेगा इस ऑयल में और हम इसे हीट किए हैं और इस क्षर को जब हम इसमें डुबाएंगे तो इसमें भी एक झंझट जैसी आवाज़ आएगी ओके तो हमें पता चल जाएगा इसमें वाटर है तो हम इसे हीट के थ्रू हम इस वाटर को वैक्यूम में प्रोवाइव बनाकर इसे हम हटा देते हैं ओके और ये जो ऑयल होता है ये मॉइस्चर फ्री रहता है तो हम ऑप्शन यहाँ पे डी दे देंगे मॉइस्चर क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स जो है ये बुकोज रिले कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन बुकोज रिले जो होता है कहाँ पे इंस्टॉल करते हैं तो इसके लिए हम लोग देखते हैं इसके फिगर को ये हम लोगों का बुकोज रिले है यहां पे हम देख सकते हैं यहाँ पे यदि हम देखें ये मेरा बुकोज रिले है ओके okay? एक मिनट वेट करो जरा इसे हम चलो ठीक है ऑप्शन ए क्या बोल रहा है फोर्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन में ये जो है बूकोस रिले कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन बूकोस रिले हम किस ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं कौन से मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर है या ऑप्शन बी बोल रहा है एयर कोल्ड ट्रांसफार्मर या ऑप्शन सी बोल रहा है वेल्डिंग ट्रांसफार्मर जो वेल्डिंग करते हैं उस ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं बूकोस रिले या ऑयल कोल्ड ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं तो हम लोगों का ऑप्शन जो होगा वो डी सही हो जाएगा क्योंकि बूकोस रिले जो होता है वो वर्क किस पे करता है यदि मेरा ट्रांसफार्मर जो हीट हो जाता है यदि यहाँ पे हम देखें ट्रांसफार्मर जो मेरा हीट हो जाता है तो ऑयल जो है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो हीट में कन्वर्ट होकर ये वैक्यूम में गैस बन जाता है और ये गैस जो है वो बुकोज रिले में जाता है और इसको सिग्नल दे देता है ये जो है बुकोज रिले हम लोगों को सिग्नल देता है कि हमारे ट्रांसफार्मर जो है इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है जिससे हम इस ट्रांसफार्मर को ऑफ कर देते हैं ओके ये तो हम ऑयल कोल्डेड ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं भूकोस रिले को नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखें क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आर जनरली डिजाइन फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी अराउंड तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में भी इसके बारे में बात किए थे जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होता है उसकी मैक्सिमम इफिशियंसी क्या होती है फिफ्टी परसेंट यहाँ पे फिफ्टी परसेंट कर देंगे ओके okay? और जो पावर ट्रांसफार्मर होता है उसकी इफिशियंसी मैक्सिमम नाइन्टी एट परसेंट होती है ओके okay? तो हम इसे फिफ्टी परसेंट कर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखें फोर्टी एट स्टार स्टार ट्रांसफॉर्मर वर्क सेटिस्फाइड वेन जो स्टार स्टार ट्रांसफॉर्मर जो होता है हम लोग यूज करते हैं कहां पे लोड इज ऑन बैलेंस ओनली ऑप्शन बी बोल रहा है लोड इज बैलेंस ओनली ऑप्शन सी बोल रहा है ऑन बैलेंस एज वेल एज ऑन बैलेंस लोड ऑप्शन डी बो है नॉन ऑफ द एव ऑफ इसमें से कोई नहीं ओके तो हम लोग जो स्टार स्टार इस्टार ट्रांसफार्मर जो होता है उसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं 48 नंबर जो आंसर है वो बी लोड इज बैलेंस ऑनली जहाँ पे बैलेंस रहता है लोड वहाँ पे लोड जो बैलेंस रहता है जैसे बैलेंस की बात करें तो हम बोल सकते हैं ये मेरा आर वाई बी आर वाई एंड बी जो फेज है इस सब पे जो लोड है वो इक्वल लोड है ओके यहाँ पे 200 सौ वाट चल रहा है तो वाई में भी 200 सौ वाट का ही लोड रहेगा और बी में भी 200 सौ वाट ही लोड है तो इक्वल जहाँ पे लोड रहता है वहाँ पे हम लोग स्टार स्टार कनेक्शन का यूज़ करते हैं मतलब जो प्राइमरी साइड जो होता है प्राइमरी साइड वाइंडिंग वो भी मेरा स्टार रहता है और सेकेंडरी साइड भी मेरा स्टार में ही कनेक्ट रहता है ये मेरा प्राइमरी हो गया और ये मेरा सेकेंडरी हो गया ये भी मेरा स्टार में कनेक्ट रहेगा प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों स्टार कनेक्शन रहेगा उसे हम बोल रहे हैं स्टार स्टार ट्रांसफॉर्मर ओके okay? नंबर क्वेश्चन यदि देखें डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर वेन स्टार डेल्टा जो ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो हम लोग कहां पे यूज कर रहे हैं हम लोग जो हम हम लोगों के घर में जो सप्लाई आ रही है वो स्टार डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर से ही आ रही है वो डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर ही जाता है क्योंकि स्टार जो होता है वो न्यूट्रल प्रोवाइड करता है और ट्रांसफार्मर से हम लोगों के घर तक न्यूट्रल का भी कनेक्शन आता है न्यूट्रल वायर ओके तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे वो स्टार डेल्टा स्टार जो ट्रांसफार्मर होता है वो हम किस केस में यूज़ करेंगे ऑप्शन ए जो है लोड इज बैलेंस ऑनली जहाँ पे लोड बैलेंस हो उसी में केवल यूज़ करेंगे ऑप्शन बी बोल रहा है लोड इज ऑन बैलेंस ऑनली जहाँ पे ऑन बैलेंस लोड हो मतलब वहाँ पे बैलेंस नहीं है वहाँ पे हम यूज़ करेंगे ऑप्शन सी बोल रहा है ऑन बैलेंस एज वेल एज बैलेंस ओनली ओके जहाँ पे बैलेंस और ऑन बैलेंस दोनों का केस हो जिस ट्रांसफार्मर पे वहाँ पे हम लोग इसका यूज करेंगे तो ऑप्शन हम लोगों के पास सी सही हो जाएगा जहाँ पे बैलेंस रहता है लोड और या ऑन बैलेंस हो वहाँ पर डेल्टा स्टार कनेक्शन यूज़ करते हैं हम लोगों के घरों के पास भी डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर से ही सप्लाई आती है जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बोलते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बुकोज रिले गिवेन वार्निंग एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट तो इसके ऑप्शन के बारे में पहले देखते हैं इलेक्ट्रिकली फॉल्ट इन साइड ट्रांसफॉर्मर इफ हम लोग को बुकोज रिले जो है वो किससे प्रोटेक्शन देता है ऑप्शन ए बोला इलेक्ट्रिकली फॉल्ट इलेक्ट्रिकली फॉल्ट हो इन साइड ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफार्मर के इन साइड में या ऑप्शन बी बोरा है इलेक्ट्रिकली फॉल्ट आउटसाइड द ट्रांसफार्मर इन आउट गोइंग फीडर मैंने हमारे जो ट्रांसफार्मर लगा है उसके जो फीडर है वहाँ पे उसमें किसी प्रकार का आउटसाइड में प्रॉब्लम आ गया तो हम प्रोटेक्शन देगा ऑप्शन सी बो रहा है फोर बॉथ्स आउटसाइड एंड इनसाइड फॉल्ट आउटसाइड या इनसाइड फॉल्ट में हम लोग को प्रोटेक्शन देता है तो इसका आंसर जो होगा इलेक्ट्रिकली फॉल्ट इनसाइड द ट्रांसफार्मर इल्ड ट्रांसफार्मर के अंदर में जो प्रॉब्लम होगा जहाँ पे ऑयल है उसके वाइंडिंग में हो गया कोई प्रॉब्लम वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम हो गया तो उसमें बुकोस रिले काम करता है तो इसके वर्किंग के बारे में देखें तो इसका फिगर पहले देखेंगे हम हम यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांसफार्मर के जो बुकोस रिले है, उसके ब्लॉक डाइग्राम को उसके फिगर को जो मेरा ट्रांसफार्मर जो मैं बुकोस रिले जो होता है यदि हम उसके बात करें तो ये मेरा जो यहाँ से टैंक टैंक जो है टैंक से मेरा ऑयल आता है और यहाँ से निकल जाता है ओके ऐसे मेरा निकल जाता है यदि किसी प्रकार का प्रॉब्लम आ जाए ऑयल में तो ऑयल जो होता है वो गैस में कन्वर्ट होगा और गैस में कन्वर्ट होने के बाद ये ऑयल ऊपर साइड जाएगा ओके ऊपर साइड जाएगा तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे मरकरी है हम इसे बोल सकते हैं एलार्म इसमें अलार्म कनेक्ट रहता है इसके थ्रू और यहाँ पे मरकरी स्विच है मरकरी ये हम लोगों के पास यहाँ पे मरकरी है ये क्या होता है जैसे ही गैस ऊपर जाएगा इस पर प्रेशर पड़ेगा इस पर प्रेशर पड़ेगा और ये इक्वल में आ जाएगा दोनों इक्वल सेप में आ जाएगा ऐसे जो मरकरी जो कनेक्शन मरकरी जो है इन दोनों को सर्किट को क्लोज कर देगा और मेरा अलार्म बजने लगेगा ओके तो हमको पता चल जाएगा कि, कि को, को, कोई ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम आ गया है या हम बोल सकते हैं यदि टैंक में भी यदि कोई वाइंडिंग में प्रॉब्लम आ जाए या तो ऑयल ही ऑयल जो है ऑयल का प्रेशर बढ़ जाएगा यहाँ पे ऑयल का जब प्रेशर बढ़ेगा तो इसे प्रेस करेगा और ये जो है रोटेट करेगा रोटेट करने से इस मरकरी जो है वो इक्वल में आ जाएगा यहाँ पे और इस स्विच को क्लोज करके यहाँ पे अलार्म को कनेक्ट कर देगा अलार्म मेरा बजने लगेगा ओके ये मेरा वर्किंग है यदि हम बात करें ये बुकोसिल लगा कहाँ रहता है कहाँ पर कनेक्ट रहता है तो यहां पे हम देख सकते हैं बूकोज रिले जो है वो टैंक और कंजर्वेटर के बीच में लगा हुआ है यहां पे टैंक और कंजर्वेटर के बीच में लगा रहता है ओके बूकोस रिले तो आज हम लोगों का फिफ्टी क्वेश्चन हो गया यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आगे डिस्कस करेंगे हम इंडक्शन मोटर पर सोचेंगे लाने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ओके थैंक यू